आज सोमवार दिनांक 5 जून 2023 रोजी उस्मानिया उर्दू हायस्कूल होटगी स्टेशन तालुका दक्षिण सोलापूर या शाळेचा 10वीचा निकाल हा 100% इतका लागला असून या शाळेतील ज्या मुला मुलींनी 91% गुण घेतले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून असीम नबी रसूल शेख, डेप्युटी सरपंच होटगी, प्रमुख उपस्थिती म्हणून डॉक्टर सुभान शेख, सभिया शेख, महबूब बागवान, शौकत शेख, मोहम्मद इनामदार, मशाक नदाब, अब्दुल हमीद उस्मान साहब बलुल खान संस्थेचे चेअरमन, मुजावर तरुणम आरा सचिव, शोएब अब्दुल हमीद बलुल खान मुख्याध्यापक आदींच्या उपस्थितीत मुला मुलींना पुष्पगुच्छ देत सत्कार करण्यात आला। दरम्यान यावेळी शेख समरीन शौकत हिने 92% गुण घेत प्रथम क्रमांक मिळविले, शेख आयशा वाजिद हिने 90.40% गुण घेत द्वितीय क्रमांक पटकाविलाय, तर नदाफ अलमा सैफन हिने देखील 91.40% गुण घेत तृतीय क्रमांक पटकाविलाय। तर या तिन्ही मुलींनी शाळेतून 91% गुण घेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकाविलाय। तसेच शाळेतील 80%हून जास्त गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचाही आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। तर हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक शिक्षिका शेख इम्रान, बेली फरीदा, बलोल खान राहत, तांबुली महबूब आणि पालक तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे आमचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। रिझल्ट तो बहुत अच्छा लगा है, अब इसके आगे क्या करना है? अपने समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, पर मैं चाहता हूँ कि आप घर में नहीं भूलते हुए आगे पढ़े करें। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं करना, क्योंकि पढ़ने से तुम्हारे आगे जिंदगी में तुम्हारे को बहुत दिखाने जाएगा। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, क्या उनको पढ़ाने का तुम्हारे में जज्बा आएगा? अब यहाँ अच्छे परसेंट लेकर पास हुए हैं, साइंस सेट को भी एडमिशन मिल सकता है, इंजीनियरिंग को मिल सकता है, जहाँ तुम्हारा ये है वहाँ तुम एडमिशन लेकर क्या अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन कर। अभी हम सुनते देखते हैं कि यहाँ से बच्चे पढ़े हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, अपने कमरूसा गर्ल्स स्कूल में गए, यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर गए वो टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। और क्या होता है, शहरी बच्चों को देखकर अपने में थोड़ा कमतरती महसूस होती है, मगर अपने को बिगड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यही एक बात याद रखो, एजुकेशन तुम बढ़ो, बड़े हो, वो होने वाले अपन कई को तो परसेंटेज तुमको अच्छे मिले हुए हैं, ये याद रखो। सब लड़कियां याद रखो, व्हाट्सएप देख रहे हैं आप सब, देख रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं क्या, देखे कि नहीं, सुने कि नहीं, तो मत बिगड़ो, खाली नाम रोशन करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। उसमें ही है प्यार 4 दिन का रहता है, भूल भलैया 4 दिन का रहता है, सुनते हैं बोल कहावत रहती है, बरोबर है क्या? तो इस तरह से आप क्या करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। आपको सबको बधाई, मुबारक। उस्मानिया उर्दू हाईस्कूल का जो रिजल्ट लगा है वाकई काबिल तारीफ है, और छोटे से खेड़े में इतना अच्छा रिजल्ट मैं पहली बार सुना हूँ, वो भी उर्दू मीडियम का। आज कैसा इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, ये बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी जो लड़कियाँ हैं उनको उर्दू ही डालें, और दिन की जो तालीम जो है वो भी उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उर्दू मीडियम अरबी सीखने से बच्चे तालीमित नहीं होते, उसके साथ दिन की भी तालीम जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज का जो माहौल है बहुत बिगड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह आज की जो बच्चे जो रिजल्ट देखे तो बहुत खुशी हुई मेरे को। तो अल्लाह से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह उस्मानिया उर्दू हाईस्कूल का नाम पूरे शोलापुर, पूरे महाराष्ट्र में हो आने वाले दिनों में। और यहाँ चेयरमैन साहब शोएब सर और हमारे जो अध्यक्ष जो
आसिम जो है उनका मैं सबका मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे और से, और मैं मेरे दो अल्फाज खत्म करता हूँ। जय।